आप जो जहाँ आज के दिन नियोजित शिक्षक स्वच्छता पास कर काम कर रहे हैं, उनको दूसरे जगह भेज कर शिक्षा में क्या सुधार की बात हो सकती है? अगर कोई ऐसी सोच है तो बताएं। अच्छा होगा कि अन्य विभागों में जैसे बायोमेट्रिक्स के माध्यम से उपस्थिति दर्ज की जाती है और कराई जाती है, वही विभाग से क्या मांग कीजिएगा शिक्षकों से आपको लेकर, क्योंकि अभी वर्तमान में वही नहीं, शिक्षक उस ऐप में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम अटेंडेंस के सवाल पर जो परेशानियां हो रही हैं, जो दिक्कत हो रही है, और हमने भौगोलिक स्थिति, बिजली की दिक्कत, इंटरनेट प्रॉपर नहीं मिल पाता है, तो आंतरिक व्यवस्था में इस राज्य का मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी विधानमंडल के दोनों सदनों में दो दो बार 10 से 4 स्कूल की समय सारणी होगी इसकी घोषणा कर चुके हैं। तो निश्चित रूप से हम लोग का दायित्व तो बनता है कि इस माननीय मुख्यमंत्री जी के उस घोषणा का अनुपालन हो। कम्युनिस्ट MLC संजय सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। संजय जी, इन दिनों शिक्षा कोष ऐप को लेकर कई सारे शिक्षक सवाल उठा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, क्या कहिएगा लगातार आपसे? देखिए, हम लोगों ने आग्रह किया है, फिर आग्रह करेंगे कि जो बिहार की भौगोलिक स्थिति है और बड़ी संख्या में देहाती क्षेत्र में शिक्षण संस्थान है, चाहे वह प्राइमरी सेक्टर का हो या सेकेंडरी या प्लस टू का, और जहाँ बिजली की दिक्कत है, बिजली कट जाता है, वहाँ इंटरनेट सही ढंग से नहीं मिल पाता है, तो ये प्रॉब्लम्स तो हो रहा है। अभी चूंकि 3 महीना विभाग ने उसको एक्सपेरिमेंट के तौर पर उसको चलाया है, कार्रवाई नहीं किया जा रहा है, ठीक बात है, लेकिन हमको जो लगता है, व्यक्तिगत तौर पे हम जो देखते हैं बिहार के भौगोलिक स्थिति को, बिहार की बिजली की स्थिति को, अब बाढ़ का समय है, अब और बिजली में दिक्कत हो रही है, और इंटरनेट की कमी जिसके माध्यम से वह ऐप के द्वारा वह अटेंडेंस बनता है, तो ये प्रॉब्लम तो रहेगा। और हमको नहीं लगता है कि कभी भी बिहार की भौगोलिक स्थिति जो है उसके तहत या 100% इस ऐप के माध्यम से जो अटेंडेंस लिया जा रहा है वह सक्सेसफुल होगा। हम पहले भी सुझाव दे चुके हैं, आज फिर कह रहे हैं कि अच्छा होगा कि अन्य विभागों में जैसे बायोमेट्रिक्स के माध्यम से उपस्थिति दर्ज की जाती है और कराई जाती है, वही यानी कि बायोमेट्रिक सिस्टम लगाना चाहिए पूरे बिहार में शिक्षकों को देखते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, शिक्षा कोष ऐप से बेहतर होगा। बिल्कुल बिल्कुल होगा। सिद्धार्थ से क्या मांग कीजिएगा शिक्षा कोष ऐप को लेकर, क्योंकि अभी वर्तमान में वही नहीं, शिक्षक उस ऐप में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम अटेंडेंस के सवाल पर जो परेशानियाँ हो रही हैं, जो दिक्कत हो रही है, और हमने भौगोलिक स्थिति, बिजली की दिक्कत, इंटरनेट प्रॉपर नहीं मिल पाता है खासकर देहाती क्षेत्र में, तो इसके लिए हम लोगों ने कहा भी है और फिर सुझाव देंगे कि आप ये 100% वो देख रहे हैं, 3 महीना तो एक्सपेरिमेंट के तौर पर ये शुरू किए हैं, और हमको नहीं लगता है कि यह 100% सक्सेसफुल होगा। अवकाश तालिका को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे थे, आप लोग भी लगातार गहन इस पर चर्चा कर रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कहिएगा? 1 जुलाई को हम लोग मिले थे जी, हमारे मित्र MLC डॉक्टर संजीव कुमार सिंह और बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, और मैं तीनों गया था मिलने, समय 5 बजे मिला था, और इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से बात हुई कि RTE के तहत जो वो वर्किंग आवर जो वो कह रहे हैं कि इतना वर्किंग आवर 1 वीक में होना चाहिए, जिसके कारण हमको ये समय सारणी लानी पड़ी है, तो हम लोगों ने ये कहा है और वो उसको सुने गंभीरता से और स्वीकार भी किए कि प्राइमरी, चूँकि RTE के अंदर RTE राइट टू एजुकेशन किसके लिए है, सो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के, मतलब प्राइमरी सेक्टर में वह प्रभावी है, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक सेक्टर में प्रभावी नहीं है। हम लोगों ने यह सवाल उठाया कि ये माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा उसके अधीन नहीं है। हम लोगों ने यह भी कहा कि ये केंद्र सरकार की बनाई हुई RTE है, राइट टू एजुकेशन बच्चों के लिए, तो आप देखिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो शिक्षण संस्थान संचालित हैं, सेंट्रल स्कूल, नवोदय विद्यालय,
उसकी समय सारणी को भी देख लीजिए, वहाँ प्राइमरी सेक्टर का अलग समय सारणी है और सेकेंडरी और प्लस टू का अलग समय सारणी है। तो हम लोगों ने कहा है कि इसको पुनर्विचार कीजिए और आगे बताते हैं। तो हम लोगों ने कहा है पुनर्विचार कीजिए, और सबसे बड़ी बात है कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस राज्य का मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी विधानमंडल के दोनों सदनों में दो दो बार 10 से 4 स्कूल की समय सारणी होगी इसकी घोषणा कर चुके हैं। तो निश्चित रूप से हम लोग का दायित्व तो बनता है कि इस माननीय मुख्यमंत्री जी के उस घोषणा का अनुपालन हो, मेरा भी दायित्व तो बनता है, आपका भी दायित्व तो बनता है। इस रूप में हम लोगों ने उनसे आग्रह किया कि 10 से 4 समय सारणी होनी चाहिए, और उसके बाद फिर छुट्टियों में जो लोक आस्था के पर्व की कटौती कर ली गई, गर्मी छुट्टी काट ली गई, तो हम लोगों ने कहा है कि उसको बहाल किया जाना चाहिए। महिलाओं का जितिया पर्व और ऐसे ऐसे तीज ये सब की छुट्टी होती थी, बाद के दिनों में जुड़वाया गया और तब वो वैसी छुट्टी को जो काटा गया है उसको भी पुनर्बहाल करने की बात की गई, और फिर गर्मी की छुट्टी जो काट ली गई उसके एवज में ईएल का प्रावधान करना चाहिए। दिन गर्मी छुट्टी में खोल कर आपने संस्थान को रखा है उसके एवज में 3 दिन में 1 दिन का ईएल का प्रावधान है, वो हमारे शिक्षकों को मिलना चाहिए। तो क्या माना जाए संजय जी, जिस तरीके से सत्र स्टार्ट हो रहा है उसमें इन तमाम बिंदुओं पर आप लोग चर्चा करेंगे? बिल्कुल, सवाल है ध्यानाकर्षण के माध्यम से, तारंकित, अल्पसूचित के माध्यम से, संकल्प के माध्यम से हम लोगों ने इन सवालों को रखा है सदन में, और हम समझते हैं कि यही कारण है कि हम लोग ने मिलकर जो आग्रह किया और जो सवाल यहाँ हम लोग डाले हैं तो वो भी विभाग में चले ही गए होंगे, तो इस कारण से विभाग ने इस पर गंभीरता से विचार करते हुए एक कमेटी गठित की है। 15 दिनों के अंदर 22 से सत्र शुरू होने वाला है, उसके पहले रिपोर्ट की भी मांग की है कि 15 दिनों के अंदर आप अपना सुझाव इस पर दें, और इसके साथ साथ अंत में हम लोगों ने जो अभी सक्षमता प्राप्त शिक्षक हैं उनके पदस्थापना के सवाल पर भी हम लोगों ने बात किया कि आप जो जहाँ आज के दिन नियोजित शिक्षक सक्षमता पास कर काम कर रहे हैं उनको दूसरे जगह भेज कर शिक्षा में क्या सुधार की बात हो सकती है, अगर कोई ऐसी सोच है तो बताएं, नहीं तो अगर जो 15-17-18 साल से जो जहां जिस शहर में जिस देहाती क्षेत्र में जो शिक्षक पठन पाठन का काम कर रहे हैं वहां अपने को या अगल बगल के जगहों में अपने को व्यवस्थित कर लिए हैं परिवार के साथ, उनको अव्यवस्थित करने से फिर इसका असर शिक्षा पर पड़ेगा। हम नहीं समझते हैं कि जहाँ काम कर रहे शिक्षक हैं सक्षमता प्राप्त कर लिए हैं तो उनसे कहीं उनको अलग भेजा जाए, और अगर कोई इसमें कानूनी अड़चन होगा जो सवाल लोग उठाते हैं कहते भी हैं कि राज्य कर्मियों के स्तर पर भी या किसी सेवा संवर्ग के लोगों में जब कैडर चेंज होता है तो स्थानांतरण अनिवार्य हो जाता है, इसलिए कानूनी ये अड़चन भी आ सकता है, तो हम लोग तो कहें कि आप कानूनी सलाह ले लीजिए, और अगर अड़चन कुछ आता है कानूनी अड़चन तो जैसे आप जिला का ऑप्शन मांगे थे फॉर्म भरने के समय में उसी के अनुकूल आपने जिला अलॉट किया है, तो पदस्थापना के क्रम में 3 प्रखंड का भी ऑप्शन आपको देना चाहिए। इन्हीं सब बिंदुओं पर विचार करने के लिए हमको लगता है विभाग ने कमेटी गठित की है, और हम आशान्वित हैं कि हम लोग के बात करने के तुरंत बाद कमेटी गठित हुई, शिक्षा विभाग सकारात्मक सोच के तहत हम लोगों ने जो बातें कही हैं जो मांग की है उस पर विचार करें। देखिए तो जिस तरीके से कमेटी गठित की गई है और ऐसे में शिक्षा विभाग ने यह कमेटी गठित की है, जिस तरीके से मांगे हैं वो कहीं ना कहीं शिक्षकों के हित में उठाई गई है, और यह मांग जो है सदन के अंदर भी गुजेगा। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए कम्युनिस्ट एमएलसी संजय सिंह थे। क्या कुछ कह रहे थे शिक्षा को ऐप को लेकर, अवकाश तालिका को लेकर, साथ ही तमाम अनेक छुट्टियों को लेकर आपने सुना है, और भी कई सारी मांगे हैं जिसको उठाया जाएगा। ध्यान आकर्षण को देखते हुए कहीं ना कहीं तमाम बातें जो है वो कहीं ना कहीं भेज दी गई है। अब जाकर देखने वाली बात यह होगी कि शिक्षकों के हित में तमाम जो शिक्षक जनप्रतिनिधि हैं वो क्या कुछ करते हैं। फिलहाल संजय सिंह को आप सुन रहे थे, और ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरे के हमारे सहयोगी विकास ने बहुत बहुत धन्यवाद।